प्रणाम। आज का टॉपिक है हमारा हाई बीपी। आप हाई बीपी तमाम तरह की दवाइयों को खाने के बाद भी बीपी ठीक नहीं होता, केवल कंट्रोल में रहता है। बीपी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, तनाव उसमें मुख्य कारण है। थोड़ा सा क्रोध आते ही आपका बीपी सुटअप हो जाता है। शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी जमा होने से बीपी बढ़ने लगता है। वेन्स सिकुड़ने लगते हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट तेजी से ब्लड को पंपिंग करता है, हार्ट बीट बढ़ती है। ऐसे तमाम तरह के सिम्टम्स शरीर में आने लगते हैं और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शरीर के अंगों के ऊपर। ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। और ये जो दवाइयाँ आप खाते हैं, ये दवाइयाँ जीवन के अंतिम क्षण तक आप तो को खानी होती, अंतिम समय तक ये दवाइयाँ आपका साथ नहीं छोड़ती। हर रोज आपके दिन की शुरुआत बीपी की दवाई से होती है। तो आप यदि इन दवाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो आपको योग करना होगा, योग को जीवन में अपनाना होगा। योग एक ऐसा माध्यम है जिसे यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो बीपी की प्रॉब्लम ही नहीं, आपकी दूसरी अन्य समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई बीपी में आप कौन सा प्राणायाम करें जिससे आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम कंट्रोल ही नहीं पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। यदि बीपी हाई हो गया, आप कहीं ऑफिस में हैं, दवाई नहीं है आपके पास, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो भी प्राणायाम आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं जब आपका बीपी हाई हो गया। तो चंद्रभेदी में हमें अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाओ। फर्स्ट और सेकंड फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करें, अपने राइट नोस्टल को बंद कीजिए, लेफ्ट श्वास को लें धीरे धीरे, श्वास को अंदर ही रोकें, श्वास को रोक लीजिए अंदर और शीतलता का अनुभव करो। लेफ्ट नोस्टल से जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक ठंडकता आती है, एक शीतलता आती है। फिर राइट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दो, लेफ्ट से श्वास लो फिर से, ये बहुत ही धीरे धीरे भरना है श्वास। श्वास को अंदर रोकें, शीतलता का अनुभव करो। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, राइट से छोड़ो। आपने देखा, लेफ्ट से हमने श्वास लिया, श्वास को अंदर रोका, बंद लगाएं, बंद जालंधर बंद, गर्दन को नीचे की ओर थोड़ा, चिन को हल्का सा झुकाएं और शीतलता का अनुभव करो अपने श्वास से, जो आपने श्वास लिया लेफ्ट नोस्टल से और राइट से बाहर छोड़ दिया बंद हटाते हुए। फिर से लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से छोड़ा। तो लेफ्ट से लेना है हर बार, रोकना है, राइट से छोड़ना है। ये चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये 5 मिनट आपको पूरी एकाग्रता के साथ करना है। जब भी आपका बीपी हाई हो जाए, आपको क्रोध आ जाए, तो आप तुरंत चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना प्रारंभ करें। तो आप पाएंगे आपका बीपी डाउन होने लगता है। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अपने फर्स्ट फिंगर फोरहेड बाग पर रखें, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, अंगूठों से कानों को बंद कीजिए और होठों को मिलाते हुए जबड़ों को खोलें, श्वास अंदर भरें, वाइब्रेशन करेंगे, ओम का एक नाद करेंगे, गुंजन करेंगे नाद ओम का इस प्रकार से। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम।
यदि बीपी हाई हो गया है उस समय आप इसे कम से कम 11 बार करें। ओम का गुंजन करना है, आपके होंठ मिले रहें, जबड़े खुले रहें, ये विशेष ध्यान रखें। ये विशेष टेक्निक है भ्रामरी प्राणायाम की, सही विधि। आपके होंठ मिले रहें, जबड़े खुले रहें, तो एक वाइब्रेशन होगी आपके पूरे मुख से लेकर पूरे सिर भाग में, हृदय से उठती हुई वाइब्रेशन गुंजन के साथ पूरे आपके ब्रेन से होते हुए नाद के रूप में पूरा बाहर आपके चारों ओर एक ओरा क्रिएट करेगी। आपका मन शांत होने लगेगा, बीपी डाउन होने लगेगा। तो इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम कम से कम आपका अगर बीपी हाई हो गया तो 11 बार करें। यदि आप रेगुलर अपने बीपी को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम 7 बार जरूर करें, सुबह करें और रात को सोने से पहले भी आप भ्रामरी प्राणायाम करके सोएं, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जिनको नींद नहीं आती, नींद की भी दवाइयाँ खानी होती है, तो उनकी नींद की दवाइयाँ भी धीरे धीरे छूटने लगेंगी। शांति के लिए अपने मन में अपेक्षाओं को थोड़ा कम करें। कई बार अपेक्षाएं अधिक होने पर वो पूरी नहीं हो पाती तो भी बीपी हाई हो जाता है। दूसरों से अपेक्षाएँ कम रखें, अपने आप से ज़्यादा अपेक्षा रखें, एकाग्रता रखें अपने ऊपर ज़्यादा। आप दूसरों के ऊपर जब अपेक्षाएं करने लगते हैं, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वह भी आपके बीपी हाई होने का कारण हो जाता है। तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर केंद्रित जीवन को जिए और इन दवाइयों से मुक्त हो जाओ जो आप दवाइयाँ खाते हैं बीपी की। यही आपके जीवन के लिए उत्तम होगा, नहीं तो ये दवाई आखिरी श्वास तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। केवल योग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप इन दवाइयों से मुक्त हो सकते हैं और तमाम तरह की और दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचें जो तनाव में हैं, जो उनका बीपी हाई रहता है और दवाइयाँ खाते रहते हैं, नींद नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ही कारगर अभ्यास हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक पर। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।